student, there are so many questions which were asked by a marketing as well as a non-marketing student. Those questions are very tricky, and some of them are also being asked in an interview also. So guys, let's talk about one of them question in this video. So let's get started. The question is, ek ganje aadmi ko com kaise sell kiya jaye? Yes guys, you heard it right. Ek ganje aadmi ko jiske sar pe baal hi nahi hai usko hum com kaise bechenge? So this is the most tricky question ever asked. So the very first of all, clear your why. That why you want to sell a com to a person, and that why also brings you answer that why are you selling that com. So हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ अपने why को strong करना होता है कि हम उस person को, उस गंजे आदमी को वो com क्यों बेच रहे हैं और वो क्यों उस com को खरीदेगा. So this is the first question that come in our mind by selling that particular com to that particular person. ओके तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सोचना होता है कि हम क्यों वो जो आदमी है वो हमसे क्यों कॉम खरीदेगा, ऐसा क्या रीज़न है, उसके पास तो बाल ही नहीं है तो वो क्यों खरीदेगा हमसे. तो सबसे पहले हमें ये इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है, तभी हम दूसरे बंदे के पास जाए और उसको कॉम सेल करें. तो अब क्या होता है कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि अब यार उसके तो बाल है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द आंसर यही होता है कि यार उसके तो बाल है ही नहीं तो वो परचेज ही नहीं करेगा कॉम. हाँ, मोस्ट ऑफ द आंसर यही होता है कि वो परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसके सर पे तो बाल है ही नहीं. अब द क्वेश्चन इज, वो परचेज करेगा, लेकिन तब जब आप ये सोचोगे कि वो क्यों उस कॉम को परचेज करेगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हम सोचते नहीं हैं कि क्या क्या हो सकते हैं. तो आज मैं डिस्कस करूँगी उन कुछ रीजंस के बारे में जो एक गंजे आदमी को कॉम सेल करने में हेल्प. तो द फर्स्ट आंसर इज, वो अपनी वाइफ के लिए कॉम ले सकता है. ऑब्वियसली यार, वो अगर अपने लिए कॉम नहीं ले रहा तो वो अपनी वाइफ के लिए कॉम ले सकता है. अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो आप उसको कॉम दीजिए, चाहे वो खुद यूज़ ना करें लेकिन उसके घर में कोई तो होगा जिसके सर पे बाल होंगे, तो वो उसके लिए कॉम ले सकता है. अपनी वाइफ के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने फादर के लिए, एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन के लिए वो कॉम ले सकता है. आंसर नंबर टू इज फॉर मोटिवेशन. वो अपने मोटिवेशन के लिए भी वो कॉम परचेज कर सकता है. आप उसको इस तरह से इंसिस्ट करो कि वो कॉम खरीदे और उसको देख देख के वो मोटिवेट हो कि हाँ यार, अगर मेरे पास कॉम है, मेरे भी बाल होते तो कैसा होता, मेरे भी बाल उग सकते हैं, अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँगा तो शायद मेरे बाल उग सकते हैं. तो आप इन सारी चीज़ों को एक मिक्सअप बना के भी उसको वो कॉम सेल कर सकते हो. आंसर नंबर थ्री इज, हो सकता है उस पर्सन का कॉम का बिजनेस हो तो भी वो अपने आपसे वो कॉम परचेज कर सकता है. तो द थिंग इज़, अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए. जब तक आप अपने वाई को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ किसी को सेल नहीं कर पाएंगे. सबसे पहले अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको ये काम क्यों करना है और सामने वाला आपसे परचेज क्यों करेगा. तो अपने वाई को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेलिंग को, किसी भी मार्केटर को ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी चीज़ सेल करने के लिए. दिस इज़ अबाउट टुडेज वीडियो एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन एवर आस्क बाय अ पर्सन. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बीइंग आस्क इन इंटरव्यूज ऑल्सो. यू कैन गिव लाइक दिस आंसर्स टू एन इंटरव्यूअर एंड होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. थैंक यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल.